दोस्तों अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि कोल्ड स्लग क्या होता है। ठीक है, प्रारंभ में आपने कुछ फोटो देखे होंगे जिन्हें आप देखने के बाद काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि थियोरेटिकल हम इसे कैसे बोलेंगे। ठीक है, द कोल्ड मटीरियल एट नोजल फ्रंट और मोल्ड हॉट रनर। जब कोई ठंडा मटेरियल नोजल से और मोल्ड के हॉट रनर से कम्स इनटू कैविटी, कैविटी में आता है जब हम फिलिंग करते हैं, एंड सो इवन ग्लास मतलब डिफरेंट चमक क्रिएट करता है इन कंपोनेंट, जब तो उसे हम कहते हैं कोल्ड स्लग। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी जो हमारी सेटिंग है उसे चेंज करके हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ठीक है, ये दो तरीके से आता है। देखिए कभी कभी ये लाइनें खींचने लगती हैं ऐसे, और इनकी मतलब जो चौड़ाई होती है वो काफ़ी होती है। ठीक है, या इस तरीके से शेप आने लगती है जैसे 2 नंबर 1 है, या गेट पॉइंट के पास में इस तरीके का इंप्रेशन आने लगता है। ठीक है, तो यह जो इसकी जो क्लियरिटी होती है वो बाकी सरफेस से थोड़ा अलग होती है, ये ज़्यादातर व्हाइट कलर में दिखाई देती है। ठीक है, देखिए पहला केस, नोजल टेम्परेचर इज़ लो। जब नोजल टेम्परेचर कम हो तब भी यह प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हम नोजल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, दूसरा हॉट रनर सेम ऐसे ही, हॉट रनर से भी, तो उसमें हम HRTC का अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो मशीन है उससे कहीं ड्रूल होके मटेरियल अंदर तो नहीं आ रहा मोल्ड के, तो उस कंडीशन में क्या है, डिक्रीज करना होगा हमें बैक प्रेशर को। ठीक है, फिर उसके साथ साथ डिक्रीज करेंगे हम नोजल टेम्परेचर को और इंक्रीज करना होगा सक बैक को। ठीक है, फिर इसके साथ साथ हमारा जो अगला पॉइंट है वो है मोल्ड टेम्परेचर लो हो सकता है, तो वहाँ पे हमें इंक्रीज करना पड़ेगा मोल्ड टेम्परेचर को। इसके दो है तरीके हैं, क्या आप जो है जो मोल्ड में पानी चल रहा है उसका सर्कुलेशन थोड़ा कम करें, या MTC उसमें यूज़ करें। ठीक है, तो MTC यूज़ करके आप मोल्ड का टेम्परेचर को मेंटेन करें। फिर हमारा आता है नोजल के इशू से भी ये काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं, वो कैसे, यदि हमारा नोजल जो है फिजिकली कंटेक्ट से सही नहीं है इस प्रूफ उसके साथ में, तब क्या होगा, वहाँ पे बीच में हमारा मटेरियल रुकने लगेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब हम नेक्स्ट शॉट लेने जाएंगे तो वहाँ से थोड़ा मटेरियल हमारा कंपोनेंट में आ सकता है। ठीक है, तो वो भी हमें चेक करना चाहिए। हमें उसी के साथ साथ जो है नोजल और स्प्रू बुश का डाया भी चेक करना चाहिए। यदि हमारा नोजल का डाया स्प्रू बुश के डाया से बड़ा है तब भी हम इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा नोजल का जो डाया है वो हमारे स्प्रू बुश के डाया से हमेशा कम रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम अपनी सेटिंग में चेंज करके और इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,